एग्जाम मेरा छूट चुका है, मतलब जबकि 80% आया हुआ। थोड़ा बहुत इंप्रेशन भी होगा, नहीं तो सीयूटी वाले से मुझे कोई गैंग वॉर। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल और अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अपने घर से, और अभी जैसे कि आपका भाई फुल रेडी रूडी हो चुका है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वासु की एडमिशन करवाने पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो उसने एडमिशन करवाने, तो कहता भाई चल मेरे साथ, तो अभी हम उसके साथ जा रहे हैं। वो जल्दी से आने वाला है, फिर हम निकलते हैं फटफट से और चलो जाते हैं। ठीक है, चले चल डाल। मैं वेखिया हम आए थे वासु जी की एडमिशन कराने, और हमें पता लगा कि फॉर्म ऑनलाइन भरने, तो अभी हम जा रहे हैं साइबर कैफे में भरेंगे किसी अच्छे से। चल चलते, चलो वासु जी। वासु इसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा, है ना? हाँ। और बदमाश, ठीक है। तो अभी वासु जी गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट लेने, देखते हैं कि लिए देर में आते हैं। मोटा भाई का तत्पश्चात काम तमाम, है ना मोटा भाई? बिल्कुल। चलो अब कुछ खाने पीने चलते हैं, मोटा भाई हमें खिलाएंगे। क्या खाएं? ठीक है वासु, ठीक है, चलो 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 फिर चलो। वासु जी चलिए, रो ठीक है, ठीक है। सो गाइस, तो नेक्स्ट डे सेम ब्लॉग, और अभी जैसे कि हमारे साथ एक बहुत ही गंदा वाला पोपट हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं सीयूटी का एग्जाम देने जा रहा था, तो मतलब मैंने पांच सब्जेक्ट, मतलब फॉर्म भरा था उसमें मैंने पांच सब्जेक्ट लिए थे, तो मतलब तीन का तो मेरा उस दिन एग्जाम हो गया था जो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, और मेरे दो एग्जाम रहते थे। तो दो एग्जाम की डेट ही पता नहीं कितनी देर देर करके बनाए जा रहे। मैं ना सिटी इंटीमेशन चेक किया जा रहा था, उधर मैंने एडमिट कार्ड नहीं देखा। एडमिट कार्ड पर मेरा कल का एग्जाम हो चुका है, एक एग्जाम मेरा छूट चुका है, मतलब पीएचई का। तो अब आज भी हमारा एक एग्जाम है, तो अभी हम वही देने जा रहे हैं। शुक्र मनाऊं आज वाला पता लग गया, ये नहीं ना मैं कल परसों जाके चेक करता कि मुझे दोनों एग्जाम हो चुके हैं, कुछ होश ही खबर नहीं है। ऐसे एक अच्छी बात है कि हमारे जम्मू में ना, जो पहले कह रहे थे कि सीयूईटी के बेस पे हमें एडमिशन मिलेगी, अब वो चेंज कर गए हैं, अब हमें ना मतलब 12th के मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिल जाएगी। तो चलो वो काफ़ी अच्छी बात है कि आपके भाई की 12th के ऊपर ही कुछ मिल जाएगा, जबकि 80% आया हुआ। थोड़ा बहुत इंप्रेशन भी होगा, नहीं तो सीयूईटी वाले से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ बनेगा सीयूईटी के एग्जाम के ऊपर। तो चलो वो काफ़ी अच्छी बात है, और मेरा एक एग्जाम छूट गया था, सबसे बड़ी टेंशन इधर हो गई थी मुझे। तो अभी आज जैसे कि हमारा एग्जाम है और 3 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, 3:15 में भी, तो अभी हम जल्दी से निकलते हैं, और मैं लेट नहीं होना चाहता। और दोपहर को जो एग्जाम है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है, लेकिन जाना पड़ेगा देने। चलो चलते हैं। तो अभी चलने का टाइम आ गया, हम फुल रेडी रूडी हो चुके हैं, अब हम प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो चलो माता श्री, मैं चल रहा हूँ आशीर्वाद देखो। चलो विक्रम चौक पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ से सेंटर की बस पकड़ के निकलते हैं। तो भाई लोगों, अभी जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ सेंटर के पास, अभी यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर जाके मंजिल मिलेगी। भैया यार इधर आगे तक जाना था, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तक, पेपर इंस्टीट्यूट, ऊपर नहीं जाओगे? ये लोग अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे, और फ़ोन भी बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा है। गर्मी में मेरे फ़ोन से बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, अब जितनी थोड़ी बहुत होगी करूँगा, और अंदर फ़ोन जमा कर देता हूँ मैं, मतलब अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलो अब चल रहे हैं किसी तरह से, गूगल मैप भैया लेके जा रहे हैं, इस बार दूसरे रास्ते से आए हूँ, लेकिन यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। चलो अंकल एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, एनर्जी बढ़ाने के लिए ले लिया कुछ ठंडा। भाई साहब दिस इज़ द पावर ऑफ खेत, मतलब खेत के पास पहुँचते ही ना इतनी ठंडी हवा आने लगी कि कहने की बात नहीं है। चलो रामू जी कर दो बैग क्लोज, मेरा अपने पास अगले बाद में दे देना। चलो अब हम चले एग्जाम देने। पानी ठंडा खिला दो फिर, गर्मी बड़ी है। तो भाई लोगों, अभी जैसे कि हम अपना एग्ज़ाम देके आ चुके हैं, और एग्ज़ाम आज का सबसे आसान था, आपके भाई ने सारा अटेम्प्ट किया, और अभी हम अपने दोस्त के लिए रुके हुए हैं, वो आ रहा है बस, तो वो जब आता है फिर उसी के साथ चलेंगे। अभी उसके मतलब दो एग्ज़ाम थे, मेरे एक थे, मेरा एक था तो मेरा जल्दी ख़त्म हो गया, उसका दो है अभी, वो टाइम लगा के आएगा थोड़ा, तो वेट करेंगे अभी उसी का। अभी हमारा भाई रामू भी आ चुका है हमारे साथ। रामू हाय हेलो तो बोल दे। हाय हेलो। हाँ ये मतलब पेपर 12th के पेपर वाले टाइम पे मिला था हमें एग्ज़ाम में, तो अभी एग्ज़ाम अच्छा हुआ?
कल के लिए नहीं यार, मैं तो आ रही है। तो अभी मतलब जो हमें पहले जो दोस्त था ना तरनजोत, उसने तो मना कर दिया था वेमॉल जाने से, लेकिन इसे मैं लेके जाऊंगा, चले 5 मिनट घूम के आ जाएंगे, ठीक है ना? तो चलो ऐसे दोस्त होने चाहिए। तरनजोत तू देख रहा था, समझ जा रहा तो चलो चलते हैं। भाई ने हमारे पता नहीं क्या रखा हुआ था, कितना टाइम लग गया, 10 मिनट लग गए तेरी चेकिंग को। चलो तत्पश्चात जाके हम रामू जी की कृपा से आ भी गए, नहीं तो मैं अकेले नहीं आता इधर यार, साथ चाहिए किसी का, है ना? और क्या, चलो हमारे रामू को तत्पश्चात बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। तो ठीक है रामू, हाथ तो मिला ले, क्या पता, ठीक है मिलेंगे फिर बाद में, फोन शोन करते रहना। चलो गाइस चलते हैं घर। गाइस फोन चेक करो, बारिश होने लग चली। तो भाई लोगों अभी जैसे कि हमारा वासु भाई आ चुका है हमारे पास, और ये तो क्या हाल है? बस ठीक, तो बता। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी चलते हैं कहीं पे कुछ खाने पीने, क्योंकि भूख लग रही है ना वासु, कितने दिनों से नहीं गए। किसका नाम? कितने दिन हो गए? हाँ कितने दिन हो गए, कोई नहीं, अभी हम चलाएंगे थोड़ी बहुत स्कूटी। और अगर आपको इस स्कूटी की वीडियो चाहिए होगी ना, मतलब प्रॉपर तीनों मोड टेस्ट करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना करेंगे। और अभी चलते हैं कुछ खाने पीने, चले वासु? चलो चलो। मोटा भाई ओए ओए ओए, कहाँ चला गया सब? हाँ गैंग वॉर में, गैंग वॉर। तो भाई लोग अभी जैसे कि मैं अपने घर पे आ चुका हूँ घूम टहल के, और जिस दिन मैं मतलब एग्जाम देने गया था उस दिन मतलब बाहर जो तापमान था वो 40 डिग्री था, और समझ लो 3 बजे के टाइम पे जब सबसे ज्यादा धूप होती है उस टाइम पे आपका भाई एग्जाम देने गया था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब जब एग्जाम देके आया ना मैं, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगी थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर कल मैं गया था वासु के साथ थोड़ा शाम को घूमने, तो वो सब दिखाया मैंने व्लॉग में, और आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। और आप सबके लिए एक बहुत ही तगड़ी सी वीडियो बना रहा हूं मैं, अब जो मैंने सोचा वो बस मेरी वीडियो में इंप्लीमेंट हो जाए, तो देखने में आप सबको 200 मजा आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाने का, तो आप सब भी अपना सपोर्ट बना के रखो यार, अभी ऐसी बहुत ही तगड़ी तगड़ी वीडियो लेके आएंगे हम। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।